दोस्तों, ये मुरादनगर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से हम आज सफ़र तय करेंगे नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का। और अभी देखिए साइन बोर्ड आएगा जिस पर लिखा होगा मुरादनगर रेलवे स्टेशन, और ये प्लेटफॉर्म है, देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ये मुरादनगर का। और अभी देखिए आप बोर्ड दिखेंगे पीले रंग का, ये देखिए मुरादनगर रेलवे स्टेशन का बोर्ड अभी पीछे छूटा, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ती हुई ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई और प्लेटफॉर्म से दूर चलती चली जा रही है। दोस्तों, तो पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों नए व्लॉग में। और इस बार नए व्लॉग में मुरादनगर रेलवे स्टेशन से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का व्लॉग हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए दूर ओवर ब्रिज पर चलते वाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये यहाँ जो फाटक है इसके ऊपर पे बना है ये पुल दोस्तों। और इस पुल का भी जो है छोटा सा व्लॉग हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। मुरादनगर रेलवे स्टेशन का व्लॉग भी हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन भी नए साथियों ने नहीं देखा है, जो पहली दफ़े हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जा करके देख सकते हैं। और नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का व्लॉग भी हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन भी साथियों ने अभी तक उस व्लॉग को नहीं देखा हो या नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का व्लॉग जो भी साथी देखना चाहें वो जा करके हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। तो पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आप हमारे साथ मुरादनगर रेलवे स्टेशन से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का सफर तय कर रहे हैं बाय ट्रेन, ट्रेन के साथ हमारे साथ तमाम दृश्य साझा करते हुए शेयर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, मुरादनगर से नया गाजियाबाद। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम नया गाजियाबाद से पुराने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और मुरादनगर रेलवे स्टेशन से मोदीनगर रेलवे स्टेशन तक का व्लॉग भी हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। इसी बीच आप देख रहे हैं ये नया बनाया गया है दोस्तों, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, और यार्ड है ये सामान के उतारने चढ़ाने के लिए। देखिए तमाम कंटेनर आपको दिखाई पड़ जाएंगे यहाँ पर रखे हुए दोस्तों। और ये स्टेशन से कुछ दूरी पर ही लगभग 1 किलोमीटर पहले ही, अगर गाजियाबाद से मेरठ की तरफ या मुरादनगर की तरफ आते हैं तो मुरादनगर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले ही ये दाएँ हाथ पर पटरी के समानांतर ही ये बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ से जो है माल को चढ़ाने और उतारने का काम यहाँ पर किया जाता है ट्रेन में दोस्तों। तमाम कंटेनर आपने रखे हुए भी देखे होंगे, और इसका रास्ता जो है वो हिसाली गांव के रास्ते की तरफ को जाता है दोस्तों। तो मुरादनगर रेलवे स्टेशन से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का ये व्लॉग दोस्तों तमाम दृश्य साझा करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए इस व्लॉग में दोस्तों। और देखिए धीरे धीरे ट्रेन जो है वो रफ्तार पकड़ रही है, और जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन से दूर चलती है वैसे वैसे ही ये देखिए ये जो है हिसाली वाला फाटक था जो अभी पार किया दोस्तों, रेलवे ट्रैक, ये दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन मार्ग है दोस्तों, और उसी पर जो है ये दिल्ली की तरफ या गाजियाबाद की तरफ ट्रेन चलती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है देखिए तमाम पेड़ पौधे खेत खलिहान जैसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं तेज़ी से, सरपट जैसे ट्रेन नहीं वो दौड़ रहे हों पीछे की तरफ। और ये ही रोमांच है सफ़र का, खास करके रेल के सफ़र का दोस्तों। और रेल का सफ़र अपने आप में एक अलग अनुभव, एक अलग रोमांच पैदा करता है, और सभी जानते हैं कि भारतीय रेल जो है वो जैसे रीढ़ है भारत की, और बहुत भारी तादाद में यात्रियों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम करती है भारतीय रेल। और भारी तादाद में जो भारतीय रेल है वो रोज़गार भी उपलब्ध कराती है भारत में लोगों को दोस्तों। अभी देखिए आपने जो देखा ये पेरिफेरल एक्सप्रेस वे था जिसके नीचे से अभी हम गुजर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब हम दुहाई के आसपास पहुंच चुके हैं मुरादनगर से गाजियाबाद चलते हुए। और देखिए ये दुहाई शुरू हो गया है, आरंभ हो गया है। यहाँ भी एक छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा हाल्ट कहिए स्टेशन की बजाय, और यहाँ ये ट्रेन नहीं रुकेगी, सीधे निकल गई है या निकल जाएगी दोस्तों, और आगे चल करके गुलदर रेलवे स्टेशन पड़ेगा दुहाई। हालांकि अब चर्चित है क्योंकि दुहाई में एक तो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो है रूट जो है वहां से उतरने और चढ़ने के लिए बनाया गया है, और दूसरे जो रैपिड ट्रेन चली है नमो भारत तो वहां दुहाई स्टेशन दिया गया है दोस्तों। हालांकि गुलदर भी स्टेशन दिया गया है, मुरादनगर भी स्टेशन दिया गया है रैपिड ट्रेन का, नमो भारत ट्रेन का दोस्तों। तो पीपल फॉर इंडिया चैनल पर मुरादनगर से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक की सफ़र में व्लॉग में हम इस वीडियो में आपके साथ तमाम दृश्य साझा करते हुए शेयर करते हुए आपके साथ इस अनुभव को बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों।
अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए कि आप हमारे साथ इस सफ़र को तय कर रहे हैं दोस्तों, और आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया। दोस्तों तमाम उन साथियों से बहुत गुजारिश है कि जो पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले समय में तमाम नए व्लॉग उनको समय से मिल सकें। दोस्तों व्लॉग बनाना बहुत एक मेहनत का काम है दोस्तों, समय और पैसा दोनों जो है खर्च करके, बहुत मेहनत करके एडिटिंग करनी पड़ती है, वॉइस ओवर आवाज़ डालनी पड़ती है दोस्तों, और तमाम तकनीकी चीज़ों के साथ फिर जो है अपलोड और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद कहीं जाकर के जो है आपको दिखाने के लिए अपलोड करके व्लॉग तैयार होता है दोस्तों। और जब आप जो है हमारे व्लॉग को देखते हैं, देखने के लिए अपना कीमती समय देते हैं, तो जैसे हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है और हमें फिर हिम्मत होती है, फिर हिम्मत जुटा करके नए व्लॉग आपके लिए लाने के लिए जुट जाते हैं दोस्तों। हालाँकि 172 के आसपास हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, और YouTube प्लेटफॉर्म से अभी हमको कुछ हासिल ऐसा हो नहीं रहा है, बावजूद इसके आपके लिए हम उतनी ही निष्ठा, उतनी ही मेहनत और उतनी ही लगन से लगातार व्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। हमें भी इंतज़ार है कि आप लोगों का उस लेवल का प्यार हमको कब मिलेगा कि हमारी भी कोई वीडियो वायरल होगी, या हमको यूट्यूब कब उतनी रीच देगा, कब उतना हमको इम्प्रेशन हमारा भेजेगा, या हमको उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा जिससे हमारी कोई वीडियो वायरल हो और अच्छे स्तर से हम आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे दोस्तों। इसी बीच गुलधर रेलवे स्टेशन जा चुका है दोस्तों, आपने देखा, और हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ भी ये ट्रेन नहीं रुकती, गुलधर रेलवे स्टेशन पर भी जो है दोस्तों, तो नया गाज़ियाबाद ही ये मुरादनगर के बाद ट्रेन रुकेगी, और देखिए तेज़ी से ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। तो पूरी लगन और निष्ठा के साथ मेहनत से YouTube प्लेटफॉर्म पर इस परिवार को हमने बनाया है, और तमाम उन साथियों का धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, हार्दिक अभिनंदन जो हमारे YouTube परिवार का हिस्सा हैं, और उन तमाम हमारे दर्शकों को, उनके सभी परिवारजनों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को नए वर्ष की एक बार फिर हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद नए वर्ष की दोस्तों, नए साल की सभी साथियों को। आने वाला नया वर्ष बहुत मुबारक हो आप सभी के लिए, और बहुत शुभ मंगलकारी हो, शुभ मंगलमय हो दोस्तों, कल्याणकारी हो, बहुत कामयाबी और बहुत उपलब्धि आप सभी लोगों को हासिल हो इस नए आने वाले वर्ष में, जो 2024 का वर्ष हाल ही में शुरू हुआ है दोस्तों। तो ये व्लॉग कैसा लगा दोस्तों, इसको कमेंट्स में आपका जो एक कमेंट्स होते हैं उससे, उसका हमको इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कई अच्छे व्लॉग्स पर हमारा काम चल रहा है, उनको जल्दी ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और तमाम नए साथी जो पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे तो ये अनुरोध हमारा रहता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारा ये YouTube का छोटा सा परिवार विस्तार ले सके, बढ़ सके, और इस परिवार का आप भी हिस्सा बन सकें, और आने वाले समय में हमारे तमाम वीडियोस व्लॉग आपको समय से मिल सकें दोस्तों। मुरादनगर से जुड़े सभी साथियों से आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाज़ियाबाद से जुड़े हुए लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके क्षेत्र के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ दोस्तों। मेरठ और गाज़ियाबाद के बीच में चलने वाले तमाम लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीपल फॉर इंडिया चैनल पर मुरादनगर रेलवे स्टेशन से नया गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन तक का ये व्लॉग दोस्तों, और देखिए ट्रेन धीरे धीरे कुछ रफ्तार कम कर रही है, इसका मतलब ये है कि आउटर आ चुका है जो है स्टेशन का, और जल्दी ही स्टेशन अब नज़दीक है, स्टेशन आने वाला है दोस्तों। तो ड्राइवर जो है तो होते हैं रेल के, वो नियंत्रित कर लेते हैं स्पीड को रोकने से पहले ही, स्टेशन से पहले ही, और वही हो रहा है, ट्रेन की जो रफ्तार है वो थोड़ा नियंत्रित और धीमी हो गई है, और अब आगे स्टेशन पर ये रुकेगी, यात्री जिनको उतरना होगा वो उतरेंगे, और जिनको चढ़ना होगा वो चढ़ेंगे दोस्तों। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो नया गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन का है, RDC की तरफ का, उस पर ये ट्रेन जा कर के रुकेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी दोस्तों, ये दिल्ली तक जाएगी ट्रेन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक,
तो पीपल फॉर इंडिया चैनल पर ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और तमाम नए साथियों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब आगे जैसे ही प्लेटफॉर्म आएगा तो इस व्लॉग को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ये जो व्लॉग था ये मुरादनगर रेलवे स्टेशन से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक का ही व्लॉग था दोस्तों। और नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो आने वाला है, लगभग आ ही गया है दोस्तों, कुछ ही कदमों की दूरी पर। बाएं हाथ पर राजनगर है और राजनगर से लगा हुआ ही ये आगे स्टेशन के ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड पर जो है RDC आधुनिकतम जो है मार्केट और ऑफिसेज कार्यालय, यहाँ पर बहुत सारे गाजियाबाद की आधुनिक मार्केट इसको बोला जाता है RDC को दोस्तों। और देखिए ये जो दीवार है उसके उस तरफ रोड है, और देखिए नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल आप देख रहे थे, फिर एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और फिर एक नए व्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा।